टीडीपी नेता और सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने भी आज अपना पदभार संभाला है। राम मोहन नायडू ने कहा कि सबकी सहमति से ही मंत्रालयों का फैसला हुआ है और किसी में कोई नाराजगी नहीं है। हमारे सहयोगी विक्रांत यादव ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है, देखिए। राम मोहन नायडू जी, पहले भी टीडीपी को ये मंत्रालय मिला, अशोक गजपति राजू, अब आपकी वापसी हुई है टीडीपी के जरिए, तो आपको भी वही मंत्रालय मिला, किस तरह से इसे देखते हैं? वैसे तो ये मंत्रालय बहुत बड़ा मंत्रालय है, बहुत बड़ा स्कोप भी है इसको देश की तरफ से और इंटरनेशनल सेक्टर की तरफ से भी, तो उसके हिसाब से मेरे को लगता है एक युवा नेता होने के नाते मोदी जी ने ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपी है, तो ज़रूर इसको 100% जस्टिस करने के लिए मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से मेहनत करूँगा। और जिस तरह से कई लोगों ने जब एक मंत्रालय का चार्ज लेते हैं उनका एक मार्क रहता है, तो मैं भी चाहूंगा कि ये जो पहली जिम्मेदारी मेरे को ये मिली है इस पर अच्छा सा मार्क मैं छोड़ कर जाऊँ इस पर। इंडिया अलायंस के कई नेता ये कह रहे हैं कि जो बड़ी मिनिस्ट्रीज थी वो सब बीजेपी ने अपने पास रखी है और जो लेफ्ट ओवर था, जो बचा हुआ था, वो अपने सहयोगियों को दिया है, तो इस तरह के आरोप को किस तरह से टीडीपी देखती है? इस तरह से इंडिया अलायंस को सिविल एविएशन सेक्टर्स या बाकी सेक्टर्स जो अभी अलायंस पार्टनर्स जो हैंडल कर रहे हैं, इस तरह से इंसल्ट करना मैं बोलूँगा बहुत बुरी बात है। सिविल एविएशन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्यों ऐसे बोल रहे हैं कि ये थोड़ा लेफ्ट ओवर है? सिविल एविएशन का कैसे ये देश के कितने लाखों लोग ये सिविल एविएशन सेक्टर पे डिपेंडेंट हैं, और बाकी जो हमारे में हमें एमओएस मिला है रूरल डेवलपमेंट, हमें एमओएस मिला है कम्युनिकेशंस, इतने प्राइम डिपार्टमेंट्स हैं ये सब, इसका इस्तेमाल करेंगे देश के लिए हम मेहनत करेंगे तो हम एक कलेक्टिविटी कंसेंसस के बारे में बात करके एनडीए को आगे बढ़ाने की सोच दे रहे हैं, तो वो लोग क्योंकि राजनीति इसमें भी करना चाहते हैं, उसको और कोई मौका नहीं है, तो इसमें भी टांग अड़ा के वो करते हैं। अगर उनको इतनी वो है तो वही सरकार बना लेते। तो आपने देखा कि मोदी 3.0 की टीम पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और अब इंतजार है रिफॉर्म्स का। तो 3.0 में किस तरह के कदम उठाए जाएंगे, कौन से मंत्रालय की क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी, और अब ये सब जानने के लिए सीधा चलते हैं अपने रिपोर्टर्स के पास, और सबसे पहले रुक करेंगे लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे, सबकी नजर वित्त मंत्रालय पर थी, निर्मला सीतारमण एक बार फिर से वित्त मंत्री बनी है, ऐसे में क्या कुछ फोकस रह सकता है उनका वित्त मंत्रालय में? नई सरकार के एजेंडे के तौर पर सरकार विनिवेश के मोर्चे पर बहुत ही आक्रामक तो नहीं दिखेगी, लेकिन विनिवेश के जो प्रस्ताव जिन जिन कंपनियों पर सरकार आगे बढ़ चुकी है उस प्रक्रिया को पूरी जरूर करेगी। इस सिलसिले में सबसे पहला जो नंबर आ सकता है वो एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ को लेकर के, जिसको सरकार लिस्ट कराएगी, जो एनटीपीसी की सब्सिडरी है उसका आईपीओ लाएगी। दूसरे नंबर पर आएगा आईडीबीआई बैंक, उसके लिए शुरुआती एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कई लोगों ने दिखाया है, फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया के लिए गया हुआ है प्रस्ताव रिजर्व बैंक के पास, रिजर्व बैंक की तरफ से अंतिम मंजूरी आते ही इस पर विनिवेश विभाग आगे बढ़ेगा और इसके लिए फाइनेंशियल बिड जारी किया जाएगा। तीसरे नंबर पर है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एसेट कंपनी का की लिस्टिंग हो चुकी है, अब शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए फाइनेंशियल बिड बुलाने की बारी है, इसके भी प्रस्ताव पर आगे काम होता हुआ आपको दिख सकता है। बीएमएल थोड़ा सा निचले लेवल पर रहेगा, बीएमएल में तत्काल बहुत तेजी से काम होता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन सरकार के विनिवेश के एजेंडे पर बीएमएल भी होगा और एसेट मोनेटाइजेशन भी, यानी सरकार की संपत्तियों को बेहतर तरीके से मोनेटाइज किया जाए, इसमें भी तेजी आता हुआ आपको दिख सकेगा। यानी पिछले कुछ महीने से विनिवेश की रफ्तार जो बिल्कुल ठप पड़ गई थी वो आगे बढ़ती हुई आपको दिखेगी। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी खबर के लिए। तो चलिए आप रुक करते हैं असीम का, और असीम से जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूर संचार मंत्रालय का पदभार संभाल लिया है, उनकी प्रायोरिटीज क्या कुछ रहेंगी, और साथ ही असीम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अश्विनी वैष्णव ने भी आईटी मंत्री का पद संभाला है, उनके फोकस में क्या कुछ रहने वाला है? नए टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। सबसे पहले तो 25 जून को स्पेक्ट्रम की नीलामी होने वाली है, इस स्पेक्ट्रम नीलामी को सुचारू रूप से कंडक्ट करना एक बड़ी जिम्मेदारी होगी उनके पास। उसके अलावा क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को सुधारना, अनचाही कॉल्स को रोकना सबसे बड़ा काम यहाँ पर उनके ध्यान में दिखाई देगा। सरकार ये चाहती है कि अनचाही कॉल्स को रोकने के लिए सीन ऐप को लागू किया जाए, यानी कि जो व्यक्ति कॉल कर रहा है उसका नंबर के साथ साथ उसका नाम भी दिखाई दिया जाना चाहिए, तो 100 दिन के अंदर उसको भी लागू किया जा सकता है।
टेलीकॉम सेक्टर के अंदर साइबर फ्रॉड्स बड़े बढ़ गए हैं, तो साइबर फ्रॉड रोकने के लिए एक नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी बनाई जाएगी, उसको लागू करना है। टेलीकॉम बिल ऑलरेडी पास हो चुका है पार्लियामेंट से, अब और उसके लिए जो रूल्स हैं उसको बनाने का काम शुरू किया जाएगा। इसके साथ अगर मैं आईटी मंत्रालय की बात करूं तो आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपना कार्यभार दोबारा से संभाला है। उनके सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी जो पॉलिसी मेजर ऑलरेडी लिए जा चुके हैं उनको कंटिन्यू रखना, खासतौर पर जो पीएलआई स्कीम्स उन्होंने शुरू की है और जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी उन्होंने बनाई है, सेमीकंडक्टर के लिए बनाने का प्लांट का काम कार्य काफी तेजी से शुरू हो चुका, तो उसको भी काफी तेजी से इम्प्लीमेंट करना उनकी बड़ी जिम्मेदारी होगी।